हेलो फ्रेंड्स, टाइटल देख के आप समझ ही गए हो कि मेरी वेडिंग एनिवर्सरी थी। तो जी हाँ, 9 मार्च को मेरी 15th वेडिंग एनिवर्सरी थी और ये दिन बहुत ही ख़ास था। और इस दिन को ख़ास बनाने के लिए मेरी दीदी, जीजू और उनकी डॉटर आई थी। तो उनके आने के बाद ये दिन और भी ज़्यादा ख़ास हो गया था। तो बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही मज़ा आया। आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन कि मैंने कितना इन्जॉय किया और मुझे कितना अच्छा लगा। ये कुछ रैंडम पिक्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये आया था मैंने, तो बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को हंसा। और आप लोग भी इन्जॉय करो इसको देख के। तो ये केक कटिंग चल रहा है, तो ऑलरेडी रात को हमने केक काटा था और 2 केक और एनिवर्सरी वाले दिन काटा था। तो स्लॉट्स में गेस्ट आए थे, तो स्लॉट्स में ही हम लोगों ने केक की कटिंग की थी। तो ये 2 केक हैं, एक बटरस्कॉच केक है और ये चॉकलेट केक है। ये हमारे सारे गेस्ट हैं, साथ में दीदी और जीजू भी खड़े हैं। फिर हम लोगों ने केक कटिंग की, एक दूसरे को केक खिलाया। तो आप लोग भी इंजॉय करो वीडियो। चलो दो Happy anniversary, dear. Happy anniversary to Golu and चाहो तो मैम को केक तो खिला दे। खिला दे, एक बार फोटो क्लिक कर। ये मेरी बड़ी दीदी और जीजू हैं, इन लोगों ने मेरे दिन को बहुत ही खास बना दिया आके। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और ये मेरी भांजी है। केक कटिंग के बाद हमने दूसरा केक कट किया। ये हमारे कुछ और गेस्ट थे और ये उनकी डॉटर्स थी, निया और लेखिशा। तो तीनों बेटियों के साथ बहुत ही मज़ा आया केक कट करके। मुझे लगा कि मेरी 3 बेटियां हैं। और फिर हमने एक दूसरे को केक खिलाया। और ये एक दिन पहले नाइट की पिक है, केक कटिंग की वीडियो है। आप लोग भी इंजॉय करो। ये बहुत सारे हमारे सारे फ्रेंड्स आए थे, बहुत ही मज़ा किया और मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गई थी सबको एक साथ देख के, क्योंकि ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो मेरे दिन को इतना खास और इम्पॉर्टेंट बनाने के लिए। इट वॉज रियली अ बिग सरप्राइज एंड आई वॉज रियली वेरी हैप्पी टू सी ऑल ऑफ यू एट माई होम एट 12 o'clock इन द नाइट विथ अ लवली केक। तो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। आप लोग भी इस वीडियो को देखो और इन्जॉय करो कि फ्रेंड्स कैसे होते हैं जो आपके दिन को कितना खास बना देते हैं। और ये स्पेशल मोमेंट और भी ज़्यादा स्पेशल हो गया था। भाई को चाहता क्या है? ये कुछ डेकोरेशन के पिक्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। साथ में जो ईट्स मैंने सर्व किया था, थर्सडे था तो कुछ भी नॉनवेज नहीं बना था। उसके बाद ये भैया आए थे जिन्होंने डेकोरेट किया था। तो थैंक यू सो मच भैया, आपने बहुत अच्छा डेकोरेट किया था। आप लोग सोच रहे हो कि मैंने ब्लू बलून क्यों लगाया, तो ये मेरे हस्बैंड का फेवरेट कलर है। तो जस्ट टू मेक हिम हैप्पी मैंने ब्लू कलर का बैलून यूज़ किया था। मिसेस प्रशांत, थैंक यू फॉर दी ऑसम गिफ्ट एंड फॉर कमिंग। निया लेखिसा, थैंक यू सो मच, आप लोगों के आने से बहुत ही अच्छा लगा। एंड माई स्पेशल गेस्ट, थैंक यू सो मच निकिता दीप्ति। तो बहुत अच्छा लगा आप लोग आए, सबके लिए थैंक यू। आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा हम मेरे दिन को स्पेशल बना दिया। एंड वंस अगेन हैप्पी एनिवर्सरी।